स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सैनी। जम्मू कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार पर वेक रंजन अग्निहोत्री की जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, उसे पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस्लामवादी से लेकर बॉलीवुड के एजेंडा सेटर तक नहीं चाहते थे कि 90 के दशक में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का हाल कश्मीर में हुआ उसकी सच्चाई किसी के भी सामने आए और फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, आर्थिक बहिष्कार उनका करने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बावजूद द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई और दर्शकों की भारी भीड़ अब द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए पहुंच रही है, या यूं कहें कि रिकॉर्ड कमाई कर रही है। शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हुई और जो आंकड़े सामने आए हैं, कमाई के आंकड़े, वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं कि किस तरीके से जब एक फिल्म को, एक सच्चाई को रोकने की कोशिश की गई तो दर्शकों ने उसे पसंद किया है। आपको बता दें 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई और जबरदस्त कमाई की है, और वो भी तब जब बॉलीवुड गैंग के दबाव में ये फिल्म सिर्फ 660 स्क्रीन पर ही रिलीज हो पाई। और बताया ये भी जा रहा है कि पहले दिन इस फिल्म ने 3,55,00,000 रुपए की कमाई की है और ये हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की कई फिल्मों की पहले दिन की कमाई से कई गुना बेहतर है। यानी जिस तरीके से ये फिल्म कमाई कर रही है वही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से दर्शक इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये कश्मीर की सच्चाई है, ये कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार कश्मीर में हुआ 90 के दशक में, ये उसकी सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हालांकि कश्मीर फाइल को रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। जिन सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई है वहां इस फिल्म के कई हिस्सों को म्यूट करने की भी कोशिश की गई ताकि आवाज जो है वो दर्शकों तक ना पहुंच पाए। लेकिन वहीं जिस तरीके से ये फिल्म अब लगातार पसंद की जा रही है, ना सिर्फ कश्मीरी पंडित, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि भारी तादाद में दर्शक इस फिल्म को देख रहे हैं। और यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। अगले 6 महीने तक हरियाणा में ये फिल्म टैक्स फ्री रहेगी और 6 महीने तक जो थिएटर हैं वो अपने दर्शकों से स्टेट GST नहीं वसूल सकेंगे इस फिल्म पर। तो ये बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार की ओर से की गई है, जिसके बाद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनका ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इसके लिए धन्यवाद दिया है। आपको बताते हैं इस बारे में एक आदेश भी जो विभाग है, GST विभाग है, उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है कि हरियाणा में ये फिल्म अगले 6 महीने तक टैक्स फ्री रहेगी। तो बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इतना तय है कि ये फिल्म बढ़ते दिन के साथ साथ, बढ़ते दर्शकों के साथ साथ कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ये कहीं ना कहीं इस फिल्म के जिस दिन रिलीज हुई है ये फिल्म उसने ही बता दिया है जिस तरीके की कमाई इस फिल्म ने की है, सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। और द कश्मीर फाइल्स इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की गई, और हमने देखा कि द कश्मीर फाइल्स के प्रमोट करने का काम भी किसी न्यूज चैनल ने नहीं किया, क्योंकि ये फिल्म कश्मीर की सच्चाई को बयां करती है। ये फिल्म बताती है कि आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नरसंहार हुआ था, किस तरीके से आतंकवाद जब कश्मीर में लगातार फैल रहा था तो उस वक्त कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए थे, और किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया था, किस तरीके से उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, ये तमाम चीजें, ये तमाम सच्चाई इस फिल्म ने बयां की है। और हमने देखा कि किस तरीके से जो इस फिल्म के निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो ये बता रहे हैं कि इस फिल्म में कितने रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कपिल शर्मा ने तो अपने इस शो में द कश्मीर फाइल के प्रमोशन से ही इनकार कर दिया था। उनका ये तर्क था कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर नहीं है और यही वजह है कि वो इस फिल्म को अपने शो में प्रमोट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि किसी भी बड़े मीडिया चैनल में इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया गया। जाहिर तौर पर
क्योंकि बॉलीवुड का एक गैंग इसे रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा था। हालांकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जब इस फिल्म के बारे में बात करते हैं तो उनके तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 2018 से वो इस फिल्म पर लगातार काम कर रहे थे और 2018 से ये रिसर्च अब जाकर पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि शूटिंग जो है इस फिल्म का महज 10% हिस्सा है, लेकिन एक लंबी रिसर्च की गई है। हालांकि कश्मीर को लेकर फिल्में कई बनी हैं जो आतंकवाद पर बनी हैं, जो सेना पर बनी हैं, लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का ये हाल विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी इस फिल्म द कश्मीर फाइल में बयां किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसे जनता और दर्शक लगातार पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने से भी रोकने की कोशिश की गई, विवेक रंजन अग्निहोत्री को हर तरह से घेरने की कोशिश की गई, अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी और जब वो नहीं माने तो इस फिल्म को रोकने के लिए कोर्ट में भी याचिका लगाई गई और इससे मुस्लिमों की भावनाएं आहत होती हैं ये तर्क दिया गया था। हालांकि इस फिल्म पर रोक नहीं लगी, जम्मू की अदालत ने सैन्य अधिकारी रवि खन्ना से जुड़ा सीन हटाने को कहा, सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन को कट करने और नाम बदलने के लिए कहा और उसके बाद इस फिल्म में JNU का नाम बदलकर ANU कर दिया गया। ये तमाम बदलाव इस फिल्म में हुए, लेकिन ये फिल्म रिलीज हुई और आज जब ये फिल्म दर्शकों के बीच है तो किस तरीके से थिएटर में जो खासतौर पर कश्मीरी पंडित हैं, जो कहीं ना कहीं कश्मीर में वो दर्द झेल चुके हैं, वो किस तरीके से उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो तस्वीरें भी हमने देखी कि जहां वो विवेक रंजन अग्निहोत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस फिल्म के जो कलाकार हैं, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है, उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस कहानी को बुना गया है वो दरअसल कहानी नहीं है बल्कि वो कश्मीर की और कश्मीरी पंडितों की सच्चाई है। जिस तरीके से उनके साथ वहां नरसंहार हुआ, जिस तरीके से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और जिस तरीके से वो बेघर हुए, वो तमाम सच्चाई को विवेक अग्निहोत्री ने इस तरीके से एक सूत्र में पिरोकर जनता के सामने पेश किया है और यही वजह है कि ये फिल्म इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तमाम लोग, तमाम बॉलीवुड का वो गैंग, चाहे फिर वो कपिल शर्मा हो या फिर तमाम मीडिया संस्थान हों जिन्होंने कश्मीर की सच्चाई दुनिया और देश के सामने ना आए इसलिए इस फिल्म को प्रमोट करने से इनकार कर दिया, लेकिन आज जब ये फिल्म जनता के सामने है, दर्शकों के सामने है, तो उसके बाद साफ तौर पर तमाम जो दर्शक हैं, जो फिल्म देखकर थिएटर से निकल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हर भारतीय युवा को ये कहानी देखनी चाहिए, ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि यही कश्मीर की, कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार की असल सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। विवेक अग्निहोत्री को इसके लिए साफ तौर पर बधाई दी जा रही है। दर्शकों को ये फिल्म काफी रास आ रही है और बीतने वाले हर एक दिन के साथ फिल्म की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल ये पहले दिन का आंकड़ा था जो कि 3,55,00,000 रुपए की कमाई जो है इस फिल्म ने की है और जिस तरह से ये लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर रही है, लोग इस फिल्म को लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे, जिस तरीके से वो उस दर्द को नहीं भूल पाए हैं जो उन्होंने कश्मीर में सहा है, जो उनके साथ वहां नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिस तरीके से वहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, जिस तरीके से वो अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और कितने दर्द उन्होंने सहे हैं, इस फिल्म में एक एक चीज को दर्शाया गया है और यही वजह है कि जब अपने दर्द को इस तरीके से वो देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं और इस तरीके से ये फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और यही वजह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म को जनता और दर्शक इतने पसंद कर रहे हैं कि अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से कपिल शर्मा ने अपने शो में इस फिल्म के प्रमोशन से इनकार कर दिया, क्योंकि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर नहीं था, इसके अलावा तमाम जो मीडिया चैनल हैं, तमाम जो बॉलीवुड को कवर करते हैं, उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट नहीं किया क्योंकि इस फिल्म में जो सच्चाई है उसे कोई दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि बॉलीवुड का एक तबका, एक गैंग कह सकते हैं, जो विवेक रंजन अग्निहोत्री को इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए हम साजिश और षड्यंत्र रचे गए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद ये फिल्म दर्शकों के सामने है और वो भी इस तरीके से कि जहां दर्शक ये कह रहे हैं कि यही
फिल्म है, ऐसी ही फिल्में भारत में बननी चाहिए जो कि कश्मीर की सच्चाई को बयां कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी फिल्म पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।